देखिए देखिए पब्लिक जो है पत्थर फेंका जा रहा है मिनिस्टर हंचुनगांडम के, जैसे ही मिनिस्टर हंचुनगांडम यहाँ से अपना नॉमिनेशन पूरे करके गए, जिसके बाद जो सिस्टर फेंका जा पिछले का जो पत्थरबाजी हुआ है एसपी सर के सर पे लगा है। उस वक्त मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। जैसे ही बीजेपी के उम्मीदवार श्री हंचुनगांडम जी अपना नॉमिनेशन पूरा करके स्क्रूटनी पूरा करके बाहर जाते हैं, जिस वक्त उन पर पूरा पत्थर बरसाते हैं, पत्थरों के तूफान बरसाते हैं, जिस वक्त एसपी सर के सर पर लगे और वहां के एसटीएफ लोगों ने सिक्योरिटी वालों ने ब्लैंक फायर करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हुआ तावांग वंगजन और आप देख रहे हैं वाचो मीडिया। पिछले कल की घटनाएं को लेकर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पिछले कल जो पत्थरबाजी हुआ है, जिस वक्त हम खुद वहां मौजूद थे, सुबह से लेकर शाम तक मैं वहां मौजूद थे, जिसका हालत मैंने देखा कि कल सुबह के वक्त से ही लोगों में पूरा हल्ला मचा रखा था वहां पे बाहर पे। हर कोई अपना अपना कैंडिडेट को लेकर सपोर्ट करने आए ग्रुप कार्यकर्ता पब्लिक लोग पूरा भीड़ लग गए थे वहां पे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे थांगवांग वांगहान निकले, उनका समर्थक उनके पीछे पीछे पूरा थांगवांग वांग जय जयकार करते हुए उनके डीसी ऑफिस के जहां से अपने बंगले तक गए। श्री तानफो वांगनो जी देखा होगा आपने, जैसे तानफो वांगनो जी बाहर निकले, उनके साथ साथ पूरा जय जयकार करके उनके कार्यकर्ता है, उनके समर्थक, उनके पब्लिक, उनके सपोर्टर सब वहां से पैदल मार्च अपना बंगला गए। लेकिन अंत क्या हुआ, जैसे ही बीजेपी के उम्मीदवार श्री पंचवक्ता के बीजेपी के उम्मीदवार श्री हंचुनगांडम जी बाहर निकले, उन पर पत्थर बरसाए लोगों ने, पत्थर अप हुए, पूरा पत्थर की बरसात हुए, जिसमें से सीधा एसपी सर के सर पर इतने बड़े पत्थर लगे और गंभीर चोट आए उनके, और हम लोगों को भी लगना था, हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, क्योंकि मैं सुबह से वहां मौजूद था, तो वहां का जो माहौल है मैं देखा मैंने खुद वहां का। और सुबह से लोगों में वहां भीड़ था, पूरा हल्ला गुल्ला, तो मैंने बगेट के बाहर जाकर भी लोगों से इंटरव्यू किया, जिसका भी आपने देखा होगा लोगों में क्यों आक्रोश है। बस पुलिस पब्लिक में थेला-थेल भी हो रहे थे सुबह से, जिस वक्त हम गए वहां पब्लिक को हटा रहे थे पुलिस गेट से बाहर, उस वक्त हमने जाकर दो चार लोगों से इंटरव्यू भी ले कि क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। तो जैसे हंचुनगांडम जी अपना नॉमिनेशन अपना स्क्रूटनी पूरा करके जैसे निकले, उन पर पत्थर बरसाने लगे लोगों में, और कंटिन्यू जो जितना है वहां से जितना पब्लिक है उसमें से पूरा पत्थर बरसाने लगे, तो सीधे एसपी सर के सर पे लगे। तभी सिक्योरिटी वालों ने ब्लैंक फायर किया, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ब्लैंक फायर क्यों कर रहा है, पुलिस वाला क्यों ब्लैंक फायर कर रहा है, ये मेरा अनुमान है। पब्लिक वहां का जो पब्लिक है, उन लोगों ने ये सोचा कि हमने तो मेरा कैंडिडेट को उन्होंने नॉमिनेशन में गिराया, रिजेक्ट किया उनका वजह से, जिसके लिए मैंने उन पर पत्थर बरसाए, लेकिन पुलिस वाला क्यों गोली चला रहा है, ये उनका सोच था। और कंटिन्यू फिर पत्थर बरसाने लगे, फिर ब्लैंक फायर कंटिन्यू ब्लैंक फायर करते जा रहे, वो लोग भगाते जा रहे, ये माहौल रहा कर। तो इसमें मैंने ये देखा, पब्लिक से मैं ये कहना चाहूंगा, पंचवक्का कॉन्स्टिट्यूंसी के कानूबरी के लोंगली पुमा कॉन्स्टिट्यूंसी के आगे इस तरह की माहौल खराब नहीं करना है हमें। हमें कोई भी कार्रवाई करना हो, लीगल तौर पर हमें कार्रवाई करना है, इस तरह की पत्थर अप नहीं करना है, इस तरह के माहौल वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, हमें पीसफुल इलेक्शन करना है। तो आगे ऐसा ना हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना भी लोंगली डिस्ट्रिक्ट के जहां भी इलेक्शन खेल रहा हो, अपना अपना कैंडिडेट है,
हाँ कैंडिडेट लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, आप लोग पे एक दूसरे के ऊपर तानाबाजी ये वो करके फायदा नहीं है। आपको लीडर बनाने के लिए पब्लिक का हाथ में है, पब्लिक के ऊपर है कि कौन लीडर रहेगा इस बार। आने वाला दिन को हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में टोंडिंग जिले के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ कौन लीडर बनेगा जिसका पब्लिक तय करेगा। आप लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन बाय एलिगेशन ये वो करके आप प्लीज एलिगेशन डालना बंद कीजिए। और मैंने ये देखा कल के माहौल में, सुबह से ही माहौल खराब था, थोड़ा लोगों में आक्रोश थे, लोगों में गुस्साइश थे और जोश थे, तो वो नजारा क्यों नहीं देखा, महसूस क्यों नहीं किया? वो सिक्योरिटी वाले, सिक्योरिटी फोर्स या ड्यूटी वाले क्यों ये महसूस नहीं किया कि आगे इस तरह का माहौल पैदा हो सकता है? मुझे तो सुबह ही लगा था कि आने वाले समय में कुछ खराब हो सकता है, मैंने अपना टीम को भी बोल रखा था, तो वही हुआ जो मैंने सोचा। तो पुलिस वाला क्यों नहीं सोचा कि आगे इस तरह का माहौल हो सकता है? तो ये सवाल है पुलिस वालों से। जैसे कि होनचुन गांडम निकलते वक्त जितने भी घर गेट के अंदर थे उसमें से जितने भी पब्लिक है सबको तो हटाया है, लेकिन गेट के बाहर जो लोग सुबह से गर्मा गर्मी चल रहे थे, जो हल्ला मचा रखा था, जो हंगामा मच रहे थे, उसमें से हटाया तो है लेकिन कुछ ही दूर, 10 कदम पीछे ही हटाया है, और थोड़ी दूर और हटाते तो शायद पत्थर नहीं होते या इस तरह बड़ा हंगामा नहीं होते, शायद ये मेरा अनुमान है। तो आगे आने वाले दिन को ये सब चीज़ें ध्यान रखना है हमें, पुलिस वालों को भी, लीडर लोगों को भी, हमें जितने भी मीडिया टीम है कवरेज करने वाले सभी को भी, पब्लिक लीडर लोगों को भी और पब्लिक को भी ये सब सावधानी बरतनी है कि आगे इस तरह की माहौल पैदा ना हो हमारे यहाँ पे। हमें हर चीज़ों में, हर कदम पे हमें ध्यान रखना होगा और पीसफुली इलेक्शन को चलना देना होगा। ऐसे माहौल पैदा होगा तो कभी भी हमें अच्छा लीडर, हमें क्वालिटी लीडर नहीं मिलेगा। और ये कोई समस्या का हल नहीं है इस तरह। समस्या का हल निकलना हो तो हमें ठंडा दिमाग से सोच के हमें सावधानी से काम लेना होगा, लीगली से एक्शन लेना होगा, तभी आपका मकसद पूरा होगा। हमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर करके, एक दूसरे से लड़ के, एक दूसरे को ठेला ठेली करके, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करके, हमें इस तरह के माहौल पैदा करके, माहौल खराब करके हमें कोई हासिल नहीं होगा। बाकी वीडियो फुटेज तो आप सभी ने देखा होगा, किसने किसको फेंका, कौन कहाँ क्या हो रहा था, क्या कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सब आपने देखा है। तो बस यही अवेयरनेस आप लोगों को हम मेरे ओर से रिक्वेस्ट करना था कि जितने भी पंचों हुए आने वाले दिनों में इस तरह के हमें माहौल पैदा नहीं करना है। हमें पीसफुली हमें अपना लीडर को चॉइस करके हमें अपना जगह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सुख शांति और डेवलपमेंट लाने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहें।